को पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अवभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों जोड़ दीजिए महाराज जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। वो विषय तो मेरी देवियों मेरे सज्जनों हमने मिलजुल के संपूर्ण किया शीघ्र कल्याण कैसे हो। बड़ा ही क्रांतिकारी विषय था, हमारे काम आता रहेगा। अब जरा पहले अध्याय की ओर हम निहार रहे गए जिसका नाम हमारे मालिक ने रखा है विषाद। अर्जुन तो इसलिए कि उस समय का वो जिज्ञासु था, इस समय के हम जिज्ञासु हैं। अर्जुन का अर्थ लगाना शाब्द कर्तनी कुंती का पुत्र, वो ऐतिहासिक अर्थ लिए जाए तो इतिहास की बात हो, तो जब ये साधना की बात हो तो अर्जुन का मतलब जिज्ञासु, याद रखना। अर्जुन का मतलब कुंती का पुत्र नहीं, जिज्ञासु। तो हमारा धर्म शुरू कहां से होता है? जब इंसान पर इतना दुख पड़ जाता है कि चारों कोनों से सूने ही नजर आते हैं, तो धर्म उसकी पूरी मदद करता है। ये बात सारी मेरी देवियां मेरे सज्जन अपने मन में बिठा ले। जैसे कहा जाता है मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा मित्र कहलाए। मुसीबत में कहा गया लेकिन सबसे बड़ा मित्र हमारा धर्म है। एक एक बात मेरे भगवान की जरा गौर से सुनिए। हमारे सबसे बड़ा मित्र कौन? धर्म से बढ़ के मुसीबत में कष्टों में कमियों में और कोई काम नहीं आता। सबसे बड़ा हितैषी हमारा धर्म है। इसमें हमारा रोम रोम स्वीकार करता है। बस अफसोस ये कि धर्म भूमि भारत में नाना प्रकार के तथा कथित धर्म पन पड़े, जिनको धर्म नहीं कह सकते, हम संप्रदाय कह सकते हैं। संप्रदाय और धर्म में क्या फर्क है? धर्म हमेशा एक होता है, संप्रदाय उसी में से निकली हुई नहरें है। जैसे दरिया एक होता है, नदी एक होती है, उसमें से निकली, अंग्रेजी बोलते हैं कैनाल्स। ध्यान से सुन लो जरा एक एक बात, आपको इन बातों का पता नहीं। दरिया एक और उसमें निकली हुई नहरें, अंग्रेजी में कैनाल्स कहिए। इससे धर्म वो जो अनादिकाल से चला चार वेदों वाला, उसके बाद नाना प्रकार के संप्रदाय संतों ने चलाए। इतराज हो तो मेरे मुंह में लगाम डाल दू, मुझे तो असलियत बतानी है आपको। नाना प्रकार के संप्रदाय, फिरके, सेक्स, कलर, क्रीड्स, समय समय अनुसार संत महात्मा आते गए और उसमें से क्या ये नहर निकालते गए जिसको संप्रदाय बोलते हैं। हमने गलती से हर एक नहर को दरिया कहने शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ? लड़ाइयां झगड़े। मेरा धर्म अच्छा? नहीं, बकवास करती है तू, मेरा धर्म अच्छा, थप्पड़ मारूंगी तुझे, मेरे धर्म से बढ़कर कोई बात नहीं। जिस धर्म ने हमारे दुखों को भगाना था उसी ने दुखों को बढ़ा के रख दिया। खून खराबा कत्ल मार धाड़ उनकी इच्छा।
उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरे पास तो कोई उत्तर नहीं, वरना मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जिस छुरी ने हमारी सब्जी हमारे फल काटने थे वही छुरी हमारी उंगलियां काटने लगी, हमारी बाजू काटने लगी। जिस धर्म ने हमारे बड़े काम आना था वही धर्म नाना प्रकार के रूप रख के कट्टरपना होके हमारे गलों पे पड़ा, हमारे घरों को तबाह करने लग गया। धर्म का ये काम नहीं होता। ये जो नीच पुरुष होती हैं वो धर्म की आड़ में अपना उल्लू सीधा करते। गंदे पुरुष, नीच पुरुष जो कि दरिंदों परिंदों जरिंदों में से निकल के आएगा, वही हिंसावादी होते हैं। कतल करना, मारना, धाड़ना, ये किनका काम है? एनिमल्स का काम है, बीस्ट का काम है, इंसान का काम नहीं। तो धर्म कौन सा जो भगवान जी ने दिया अनादिकाल से? ये जो संप्रदाय है, कोई 200 साल का, कोई 300 साल का, कोई 400 साल का है, कि दुनिया में ऐसा धर्म जो 5000 वर्ष पुराना हो? 5500 वर्ष। ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो गीता को प्रकट हुए 5500 वर्ष गुजर गए। ऐसा कोई भी धर्म पुराना नहीं जिसको 5500 वर्ष गुजर गए। कोई है तो मुझे बता दो, मैं भरी जनता में कह रहा हूं, क्योंकि हम तो रिसर्च करते हैं ना, आपको जो असल बात है वो बता देते हैं। 5500 वर्ष पहले कोई संप्रदाय नहीं था, शपाश, कोई फिरका ही नहीं था। ये सारे अभी अभी निकले, जितने का नाम लो अभी अभी, ये मुस्लिम, ये बुद्ध मत, ये जैन मत, ये और जो कितने पता नहीं कितने सिख मत, अलग, ये तो कल की बातें हैं। अच्छा, ये किसी का भी नाम ले लो, कल की बातें, ये ईसा मसीह, अब ये कल की बातें हैं। शब्द और किसी का भी नाम ले लो, शुरू में क्या था? चार वेद शुरू में, इस पर तो कोई इतराज ही नहीं कर नहीं सकता। अगर शुरू में धर्म का घर कोई थे तो चारों वेद, यज और शाम, वेद, मैं ही हूं अर्जुन, मैं ही इन्हीं रूपों में प्रकट हुआ हूं, मैं दीने अजल का भी हूं, आसरा मेरी जात आली में रहा सदा। मैंने जीवों के कल्याण के लिए ये धर्म बनाया, जीवों के कल्याण के लिए। तो धर्म होता है दुख को दूर करने के लिए। धर्म का मतलब होता है, मैं मोटे तौर बता रहा हूं, एकाग्र रहना सब, जो हमें ये अच्छी तरह समझा डाले नहीं, अंतकरण में बिठा डाले, उचित क्या है अनुचित क्या, ये धर्म का काम। अच्छा, बिल्कुल हाजिर रहना मेरे साथ, मेरे साथ ही रहना मेरे सजनों, मेरे देवियों, उचित अनुचित में भली प्रकार भेद हमारे अंतःकरण में बिठा दे, उसे धर्म कहेंगे। ये और कोई भी नहीं कर सकता सिवाय धर्म के। उचित अनुचित शुरुआत कहां से होती है? बुद्धि से। बुद्धि को पता लगना चाहिए मैं कौन सा इरादा करूं, चूंकि बुद्धि ने इरादा करना है, और इसी इरादे पर मन और तन ने जिंदगी काटती है। अच्छा, बुद्धि को सबसे पहले यह पता लगना चाहिए कि मैंने क्या निर्णय लेना है। ये हमारे पहुंचे हुए उच्च कोटि के महापुरुष होते थे जो हमें समझाया करते थे, जिनकी पाठशालाओं में हम जाते थे तो हमें बताते थे वो, या फिर गीता जी का प्रचार होता तो जहां पता लगता तू कर सच्चे दिल से प्रस्तिश मेरी। उचित क्या होता है? उचित, मेरे पास टाइम नहीं बचे, मैं ही बोलता जाऊंगा। उचित क्या होता है? जिससे अधिकतम खुशी मिले, जिससे अधिकतम यानी मैक्सिमम कल्याण हो, उसे उचित कहते हैं। बेटी बिठा लो अपने मन में, आपको इतना टाइम कहां, क्या आप रिसर्च करो, गहराइयों में जाओ, इतनी बुद्धि भी तो नहीं, इसके लिए बड़ी बुद्धि तेज चाहिए। आप लोग सारे कुशाग्र हो, मेधावी हो, वो कोई कोई होता है मेधावी या कुशाग्र, ध्यान से सुन लो, जिससे हमें अधिकतम लाभ हो। लाभ किसका होता है? लोक का और परलोक का।
लोक का लाभ किसे कहती है? लोक का लाभ ये होता है ये जो हमारे कर्तव्य कर्म है ये जल्दी पूरी हो जाए। लोक का लाभ और अगर कुछ मानोगे तो आपकी भूल होगी, बतेरी गलती में है। लोक में लाभ क्या होता है? हमारे ये कुछ कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म है, माँ जी के प्रति, पिताजी के प्रति, बहन भाई के प्रति, फिर शादी किया तो पत्नी के प्रति, पति देव के प्रति और अपने कुछ बच्चे हैं, बस इनके प्रति कुछ कर्तव्य कर्म ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज यह हमने इनके प्रति पूरी कर दी है। लेकिन ये नहीं देखना कि पिताजी मेरे लिए मेरा कर्तव्य कर रहे हैं कि नहीं, ना ये मेरा काम नहीं, पत्नी मेरे लिए कर रही है कि नहीं, ना पुत्र मेरे लिए कर रहा है कि नहीं, ना मेरा कर्तव्य इनके प्रति क्या है। क्या कमाल की बात, धर्म हमेशा सब्जेक्टिव होता है, धर्म व्यक्तिगत होता है, वस्तुगत नहीं होता। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे पत्नी व्यक्तिगत होती है, मैं दो तीन दृष्टांत दूं, पत्नी व्यक्तिगत, विचार व्यक्तिगत, निर्णय व्यक्तिगत और चौथा होता है धर्म व्यक्तिगत। ये थोड़ा होता है पत्नी व्यक्तिगत ना हो किसी और की, कहने बड़ा पाप। इस तरह धर्म व्यक्तिगत होता है। धर्म हमें कहते हैं तुझे पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू, तुझे पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। हम जब पंगे ले लेते हैं ना, फलाने ने ये नहीं किया, ये धर्म नहीं है, इससे हम क्या कहेंगे? जो धर्म ना उसे हम क्या कहते हैं? जब हम व्यक्तिगत ना रहे वस्तुगत चले जाए उसको व्यवहार बोलती है बेटी, व्यवहार। धर्म व्यक्तिगत होता है, मेरा कर्तव्य क्या है? मैं छाती पे हाथ धर के कह रहा हूं मेरा, मेरी माँ है, मेरा कर्तव्य इनके प्रति क्या है? ये मुझे धर्म बता रहा है, पिताजी है, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, बस धर्म इतने बताता है नहीं, परलोक भी साथ ले लेता है। मेरे प्रभु के प्रति मेरा कर्तव्य क्या? आप में से कोई एक शब्द बोले इतना गीते सुनी, प्रभु के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? धर्म का सबसे पहला जवाब, धर्म लोक परलोक निभाता है हमारा। चार चार कान से सुन लो मेरी देवी मेरे सजनों, धर्म हमारा लोक परलोक बनाता है। इसलिए भगवान ने शाप दिया है, जो मेरी शिक्षा को नहीं मानेंगे ये दुनिया का है उसकी न अगला जहां, वो दोनों जहां से मारे जाएंगे। तो धर्म परलोक बनाता है, तो परलोक में पहला कर्तव्य हमारा क्या होता है? भगवान का, भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? हैरान हो गए आप सारे, हम अपने मन को क्या समझाएं? भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य नहीं बेटे, उनके उपदेश को अपनाना, बिल्कुल अपने मन में रख लो भगवान जी के उपदेश को अपनाना। अब भगवान भी तो हम हिंदुओं ने मार चवी बना लीजिए, चवी भगवान नहीं, पूर्ण अवतार एक ही हुआ जिसे भगवान कृष्ण बोलते हैं। अभी मेरे भाई जी जरा थोड़ा सा बिगड़ रहे थे, भगवान नारायण में शब्द लगा रहा हूं, उनके उपदेश को अपनाना। पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण है, पूर्ण अवतार से हम कहेंगे, वैसे जिद से जो मर्जी बनाई जाओ, गुरुओं को ही भगवान बनाई जाओ तो शंकर को ही भगवान कही जाओ, जो मर्जी मुंह से बोली जाओ वो और बात है, हमारे कोई वाद विवाद नहीं है। लेकिन जो असल बात है पूर्ण अवतार वो नारायण को बोलते हैं, उनके उपदेश को अपनाना। भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य, अगर मन ना माने तो मैं तो समझाने आता हूं ना, मुझसे समझो और खड़े हो जाओ। भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य उनके उपदेश को अपनाना। इस पे कुछ पूछ लो तो पूछ लो, बेशक बिल्कुल नहीं शर्माना। भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य जो हम लोक परलोक बनाना चाहते हैं उनके उपदेश को अपनाना, बहुत अच्छी। भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य जो है मेरी तालीम पर कार पर, एक एक बात जरा सारे मन में बिठा लो, एक एक बात बिठा ले मेरी देवी, नारी के चोला है। ये बातें बड़ी मुश्किल से मिलती है, खुद भगवान कह के अंतर्धान हो गए, हजारों में होगा मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यत्ति सिद्धि है,
अर्जुन अब वो समय आ रहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई कोई तेरी तरह जिज्ञासु बनेगा। सातवें अध्याय का शायद तीसरा चौथा श्लोक, वाह अर्जुन के तेरी तरह जिज्ञासु कोई कोई बनेगा आगे चल के। अब देख लीजिए हजारों में कोई कोई, गीता जी के तो सुनना सुनाना दिन बदन खत्म होता जा रहा, दिन प्रतिदिन संत महात्मा अपनी मारे जा रही है, हाय हाय भगवान के तो उपदेश ही खत्म होता जा रहा। देख लीजिए दिन बदन समाज में क्या हो रहा, होना चाहिए था महाराज जी का उपदेश हो, संत अपनी मारी जा रहे हैं, अपनी कुछ बताई जा रही है, अपनी बीच में मिसालें मिर्चे लगा के भिड़िया भरी जा रही है। होना चाहिए था महाराज जी का, जहां से ये उपदेश आया कहां से, भगवान जी से। इसलिए भगवान जी को एक संबोधन दिया गया, जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु, ऐ मरीश देव मैं आपको गुरु रूप में प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने हमें चोटी का उपदेश दिया। ये केवल भगवान कृष्ण जी को कहेंगे, राम को नहीं कहेंगे, क्योंकि राम ने ये कर्तव्य पूरा ही नहीं किया जगत गुरु के नाते से। राम बिचारे मर्यादा में ही रह गए, अपना सारा अवतार इन्हीं बातों में खत्म कर दिया। तो जगत गुरु ऋषियों ने केवल भगवान कृष्ण को कहा, कृष्ण वंदे जगत, इन्हीं के शब्द है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत गुरु भगवान कृष्ण को हमारा बार बार नमस्कार। और हम उसी रूप में ही भगवान को प्रणाम करते हैं, हम बाल रूप के पुजारी नहीं है, हैं हम योद्धा रूप के पुजारी नहीं है। हाँ हम क्या ले रही हैं, हम ममता रूप में ही पुजारी नहीं है, हम तो जगत गुरु के रूप में भगवान के पुजारी है। समय की मांग भी यही है कि भगवान को जगत गुरु के रूप में देखा जाए, समझा जाए, अपनाया जाए, देखा जाए, समझा जाए, अपनाया जाए। एक एक बात सुन लो सजनों, जो हमें गुरुदेव महाराज जी ने प्रेरणा दिया हमारे से ले लो, बड़ा लाभ उठा रहे हैं, हम बहुत लाभ उठा रहे हैं। महाराज जी का जो अस्पेक्ट या स्वरूप देखने वो जगत गुरु के रूप में, किसी का बाल रूप हो तो हमें क्या, हमें कोई कटाक्ष नहीं, हमारे कल्याण के लिए। हाँ महाराज जी जगत गुरु रूप में प्रकट हुए, हमारे जैसे मूर्खों को समझाने के लिए, हमें रास्ते पर लगाने के लिए। ये श्लोक हमारे पे लागू होता है, भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं। आगे क्या कमाल कर दिया, जड़े धर्म की पिल प्रकट होके युग युग में आता हूं। भगवान का अवतार, अब उनके उपदेश को समझना, उनका उपदेश है क्या जिससे हमारा लोक परलोक बन जाए। गीता का उपदेश हमारा लोक परलोक बना रहा है, हमारे लोक के फराइज को पूरा करता जा रहा है, और वो भी जल्दी, जब हम पक्का राजा कर लेते हैं कि मैंने लोक परलोक बना के रहना है, तो लोक के फराइज कम होते जाते हैं, परलोक के फराइज बढ़ जाते हैं। परलोक के फराइज क्या है, अंतःकरण को निर्मल करना। निर्मल करने का मतलब क्या होता है, ये गंदी वृत्तियों से अपने आप को छुड़ा लेना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये क्यों आए, जगत को सच्चा मानने से। जगत को सच्चा मानने से वासना कामना प्राणी पदार्थों के प्रति उमड़ आई। क्यों उमड़ आई, ये सुख देंगी, वही सुख दृष्टि, जबकि सुख का घर हमने मानना था भगवान जी को। इसलिए हमारा बार बार जन्म मरण हो रहा है कि ये सुख पूरा देता नहीं, वासनाएं रह जाती हैं, फिर जन्म। छोटी सी बात देखना, संसार पूरा सुख देने में समर्थ नहीं है, पूरा सुख देने में भगवान जी समर्थ है। पूरा सुख देने का मतलब क्या होता है बेटी, एक शब्द में, कि संसार में पूरा सुख नहीं देता, इसका एक शब्द, तृप्ति नहीं देता। एक शब्द पकड़ लो अपने धर्म का, तृप्ति नहीं देता। तृप्ति का अर्थ क्या होता है, जिसको लेने के बाद और कोई इच्छा ना उठे, ओए 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 ओए। तृप्ति का अर्थ कितना अच्छा है, जिसे तसल्ली होगी मेरी, या उर्दू बोलते हैं मैं मुतमयन हो गया,
मुतमयन कब होती है, तृप्ति कब होती है, या सेटिस्फेक्शन कब होती है? जैसे शादी हो गई तो अब हम दोनों की तृप्ति हो जाए ना, नहीं हो सकती। मैं बहुत पढ़ गया, अब तृप्ति हो जाए ना, एजुकेशन में ले ली, नहीं। मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, 10,000 रुपए मुझे पर मंथ आती सैलरी, तृप्ति हो जाए, नहीं। कोई मुझे नाम लो, मैं बहुत बड़ा मिनिस्टर बन गया, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, तृप्ति हो जाए ना, नहीं। मेरा बड़ा अच्छा बेटा पैदा हुआ है चंद पूर्णिमा वाले दिन, अच्छा, मुझे तृप्ति हो जाए, नहीं। मैं अगला बेटा ना पैदा करता अगर पहले बेटा तृप्ति देता तो। हाय, कोई भी आपके पास दृष्टांत नहीं जिसके ले लेने के बाद और कामना ना उठी हो। कितनी क्लियर करते हैं मेरे कृष्ण, कितनी क्लियर। मैं ना समझा पाऊं वो मेरी मूर्खता, लेकिन प्रभु ने बड़ा क्लियर किया। हमें ये भी नहीं पता, इतना पढ़ गया, इतना माँ बाप का रुपया पानी की तरह बहा दिया, ये नहीं पता लगा तृप्ति, तृप्ति किसे कहते हैं? काका तृप्ति, फिर मैं कह रहा हूं, आप कनारी चोला है, आप गृहस्थी हैं, जिस प्राणी या पदार्थ को लेने के बाद और कामना ना उठे। कितना क्लियर करते हैं प्रभु। एक एक बात रास की सुनिए, वरना तो आप बुद्धू है, मारे गए बुरी तरह, इसी धोखे में मारे जा रहे हैं। तृप्ति कहती है, सेटिस्फेक्शन कहती है, जिस प्राणी या पदार्थ, दो ही चीजें संसार में है, जड़ या चेतन। बेटी, कोई चीजें जड़ है, कोई चेतन है, बिल्कुल ठीक। तो हमने एक चीज ले ली, इसके बाद अब ना कोई इच्छा उठे, इसे कहेंगे मेरी तृप्ति हो गई। संसार की कोई भी चीज लीजिए जिसको लेने के बाद फिर आपकी इच्छा ना उठी, नहीं। पढ़ाई करी, तृप्ति हुई, नहीं। नौकरी की इच्छा, नौकरी बड़ी अच्छी ले ली, फिर तृप्ति हुई, नहीं। शादी की इच्छा, फिर शादी करी, तृप्ति हो गई, नहीं। औलाद की इच्छा, औलाद हो गई, तृप्ति हो गई, नहीं। दूसरी बच्चे की इच्छा, कितना इंसान बुद्धू बना हुआ है, अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार के अपनी आयु को तबाह करता जा रहा। चलो घर मुर्गी खाना बन गया, ये क्यों बना लिया बेवकूफी से? भगवान को उल्टा मजा आ रहा है ये कहते हुए, जहालत है उर्फा पे दुनिया है, चक्कर में आ गई, बिल्कुल बुरी तरह चक्कर है। हर एक इंसान 99% चक्कर में है। चक्कर का मतलब तृप्ति लेना चाहता है, लेकिन मूर्ख को ये नहीं पता तृप्ति है कहां। शाबाश शाबाश शाबाश, तृप्ति लेना चाहता है लेकिन पता ही कोई नहीं। एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, चार जन्म, पांच जन्म, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मेरी देवियों में निश्चित रूप से कुछ नहीं बोल सकता, पर ये है जन्म पर जन्म भगवान जी कह रहे जा रहे, जन्म पर जन्म लेगा, जन्म देख भी रहे हो। हमने दादा दादी को देखा तृप्त होके मरे, नहीं। आगे मां बाप को देखा तृप्त होके मरे, नहीं। आपके कोई मरे हो तो मुझे बता दो, जिनको आपने देखा, बड़ी बहन को देखा, चाचे को देखोगे जाते हुए चांद से, तृप्त होके मरे है, नहीं। हाय, क्यों? उन्होंने जहान को ही सब कुछ समझा था, और जिन्होंने भगवान को सब कुछ समझा बिल्कुल तृप्त होके गए। इस 20वीं शताब्दी में दो चोटी के महापुरुषों का नाम लूंगा, एक आपके पूरब के, एक पश्चिम के। पूरब के इंटरनेशनल महात्मा विवेकानंद जी तृप्त होके गए इस जहान से, कईयों को तृप्त करके गए, और हमारे पश्चिम के गुरुदेव स्वामी राम तीर्थ तृप्त होके रहे और तृप्त होके गए। मैं इसी 20वीं शताब्दी को ले रहा हूं, दो कोटि के महापुरुष, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ, ये दो ही आप, मैं इस शताब्दी के ले रहा हूं, कोई चिढ़ ना जाए, 20वीं शताब्दी कह रहा हूं मैं, 20वीं शताब्दी के दो, 20वीं शताब्दी अब समाप्त होने वाली है, 95 आ गया बच्चे, 4-5 साल रह गए, ये शताब्दी फिर 21वीं शताब्दी शुरू होगी। तो इस शताब्दी में ये दो ही उच्च कोटि के महापुरुष हुए जिन्हें हम कहेंगे तृप्त, उच्च कोटि के इंटरनेशनल महात्मा, दोनों अपने देश के भी कल्याण कर गए और दूसरे देशों में भी अनेकों कल्याण कर गए, इसलिए बोलते हैं हम इन्हें इंटरनेशनल महात्मा, अंतरराष्ट्रीय महात्मा। अब ये तृप्त हो गए, लेकिन बाकियों को देखा जाए कोई तृप्ति नहीं। अच्छा, अब निर्णय क्या हुआ, भगवान क्या कह रहे हैं, संसारिक रूप में तृप्ति हो नहीं सकती, क्यों? ये सारी चीजें अधूरी है,
ये ज्ञान शुरू में होना चाहिए जो हमें अब मिल रहा है कि जहान में इतनी क्षमता नहीं हमें तृप्त कर सके। तृप्त नहीं होगी तो मन में कामना उठती रहेंगी, हमारी दवाई चली रहेगी। कब? जब बुखार नहीं उतरेगा। बुखार उतर गया, दवाई भी खत्म। इस जब तक इंसान की तृप्ति नहीं होगी, सुनिए ध्यान से, इंसान की कामना खत्म नहीं हो सकती। नई नई कामना करेगा, नई नई पदार्थ लेगा, नई नई जगह जाएगा, वो चैन से बैठ ही नहीं सकता। सुनो मेरी बात, क्या? जब तक तृप्ति नहीं होती। ऐसों के लिए, ऐसे कमबख्तों के लिए भगवान ने क्या कहा? हाय, बड़े कठोर शब्द भगवान ने कहेंगे, गम भी हिसाब उनको दिन होकेगा, बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे, अंदर वाला इस शरीर को चैन नहीं पाने देगा, अंदर वाला बेचैन रहेगा। इसे चैन का बाता है जब पूर्ण रूपेण ये जान ले कि तृप्ति भगवान से मिलती है, कोई इसे चर्चा चलाता ही नहीं। सब घर में कोई माँ बाप ये चर्चा चलाता ही नहीं, दादा दादी चर्चा चलाते ही नहीं, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों तक हो आया हूं, कोई चर्चा ये चलाता ही नहीं, ये चर्चा ही नहीं चल रही। गंदी मंदी सब्जेक्ट है, गंदी मंदी ये गीत है, गंदी मंदी आपके शरीर के गीत और प्रकृति के गीत और जो क्या कहूं मैं आपको, गणित के गीत बातें, ये बातें है ही नहीं कि हाउ टू गेट फुल सेटिस्फेक्शन, कोई सुनाता ही नहीं। ये तो गीता कृष्ण ने आके बताया, जो है जानने का वो सब जान ले, इतनी बात ही कोई नहीं कहता। आ मैं तुझे वो बताऊं जिसकी जानने के बाद और कुछ जानना जरूरी नहीं होगा, ये भगवान ही कह सकते थे। है कहीं किसी ने कहा, जो है जानने का वो सब जान लो, या आके तृप्ति हो जाती है। याद रखिए, हमारी पूर्ण तृप्ति कहां से होती है? जो खुद पूर्ण हो, तो पूर्ण तो भगवान दिए, और तो कोई पूर्ण था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। भगवान दो चार ना मानना मेरी बेटियों, समाज ने तो पता नहीं कितने भगवान मान लिए, कितने ही भगवान। हम एक ही भगवान कहेंगे, इस जन्म में तो एक ही कहिए, भगवान कृष्ण, पूर्ण अवतार में कह रहा हूं। राम से भी कहूंगा मन हटाइए, वरना मन इधर उधर भटकेगा और अनन्यता में फर्क आ जाएगा। भगवान जी कहते हैं पूरा ध्यान उसका लगेगा, ध्यान से सुन लो, जो अनन्य है, अन्य की ओर नहीं जाता मन जिसका। अन्य भले बड़ा राम के साथ प्यार होगा आपको, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी खींचा पड़ेगा यह समझते हुए कि मेरे प्रभु तो कह रही है, क्या शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, राम के रूप में मैं ही प्रकट हुआ था। दसवां अध्याय निकालो और आपको सिपाहियों को पता ही नहीं, ये दसवें अध्याय में है बाबा जी, मैं ही राम के रूप में प्रकट हुआ था। इसलिए अपना मन राम से हटाकर एक में लगा लो, चुको वही प्रभु तो थे हमारे, हमारे इष्टदेव थे जो प्रकट हुए, वरना यो कैसे साबित करेंगे सोनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, उनकी सिवा है ही कुछ नहीं। अब आपका मन क्या होगा? चारों ओर से हटकर, चाहे भगवान राम है चाहे कोई और, एक प्रभु में लग जाएगा। यही गीता कृष्ण कहती है बेटे, यही आपको गीता सिखा रही है, क्या अनेक में एक, अनेक नाम जहान का है, एक नाम नारायण का है। नारायण जी ही एक से अनेक हो गए, जैसे एक अंक ही दो बन गया, तीन बन गया, चार बन गया, पांच बन गया, छह बन गया, दस बन गया, सौ बन गया, हजार बन गया, दस हजार बन गया, है है बाबा बाबा, एक अंक ही बढ़ता जा रहा है एक अंक। इसलिए हिसाब को आप अपनी भाषा में बोलेंगे क्या? अंक गणित, एक अंक का सारा खेल है, एक अंक तो बेटी एक फिगर, ओनली वन यूनिट कहिए, एक यूनिट से अनेक हुए, यूनिट से अनेक, अंग्रेजी में यूनिट कहेंगे, वो एक ही है कौन? भगवान जी, वही अनेक बनते गया, अंक गणित होता गया, अंक आगे गणित हो गया, बढ़ता गया। अच्छा, एक से दो बन गए कि नहीं? एक में एक मिलाया दो बन गए, एक में दो मिला तीन बन गए, एक ही बढ़ता जा रहा है। इस तरह एक ही भगवान अनेक रूप में नजर आते जा रहे हैं। मैं उस दिन भी कह रहा था, आज फिर कहता हूं, जैसे ये बात हुई तो गुरुदेव जी ये बात भारत की चला रहे थे अमेरिका में, तो नहीं माने, वो तो नास्तिक है,
तो वो नर नारी इकट्ठे पति पत्नी इकट्ठी बैठते, उनको विश्वास नहीं भी शायद मैं भाषण सुनू ये कहीं चली ना जाए, तो वो इकट्ठे बैठते हाथ में ला के, जैसे अब तुम इसमें बैठे तो वो दूसरे देशों में इकट्ठे तो इकट्ठे बैठते खड़े हो गए सारे कपल बोलती है या दंपती खड़े हो गए। नहीं स्वामी जी ये कैसे हो सकता है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान, ये कैसे हो सकता है कि वो एक या अनेक हो गया। आप सुन के हैरान हो जाओगे। स्वामी जी के बैग में एक शीशा लटक रहा था, जैसे मिरर होता बेटे, जैसे आपके वाश बेसिन पर होता वह हाल में लटक रहा था। तो समझी ने कहा अगर कोई भाई ये शीशा मुझे हमेशा के लिए दे दे मैं बड़ा शुक्रगुजार हूंगा। आप लीजिए ये आप ही का है, मेरा हो गया ना। हाँ स्वामी जी ने आओ देखो ना ताओ। हाँ शीशे को ऊपर ले गए जोर का पटका, मेरे 9 टुकड़े हो गए। सच्चाई कह रहा हूं, बकवास नहीं कर रहा मैं। अगर आपने उनके भाषण पढ़ेंगे इन द वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन, उनके भाषणों का नाम क्या रखा गया, इन द वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन। आहा तो टुकड़े 9 हो गए, सारे खड़े हो गए बेंचों पर। ये स्वामी जी ने क्या कर दिया, सन्नाटा छा गया सारे। आप स्वामी जी जरा ऊंचे हो गए और सबको कहा आप क्या देखते हैं, देखिए चुप रहे कोई बोले ही नहीं। स्वामी जी ने कहा मैं बताता हूं, मैं ही अपने आप को 9 फार्म में देखता हूं। हाय क्या गजब का रिश्ता, टुकड़े किसके हुए, शीशे के न के स्वामी राम तीर्थ के। समझी कहते माई ओन रिफ्लेक्शंस इन सो मेनी पॉट्स, माई ओन रिफ्लेक्शन, कितना अच्छा दृष्टांत है, मेरा ही प्रतिबिंब इन शीशे के टुकड़ों में। तो मानते हो या नहीं, न मानने वाली बात बिल्कुल ठीक है। इस तरह एक ही भगवान अनेक हुआ पड़ा, अनेक रूपों एक ही। चलिए 13वां अध्याय, भगवान कहती है मेरे कोई टुकड़े नहीं कर सकता, मैं इंडिविजिबल हूं। तकसीम उसकी मुश्किल है मगर उसका हर शय में, इस क्या गजब का फरमान है। समझिए कि ये दृष्टांत सारी दुनिया में मशहूर थे कि जैसे एक ही शीशे के टुकड़े कर दें अनेक, तो उसमें देखने वाला भी अनेक हो गया। नहीं नहीं, देखने वाला एक ही रहेगा। देखने वाले को अपनी भाषा में बोलेंगे दृष्टा, दृष्टा एक ही है। टुकड़े किसके हुए, शीशे के, दृष्टा एक। तो इस सारी दुनिया का दृष्टा तो मालिक है, उसी ने अपने में से अनेक बना दिए, सारे अनेक वही। अब आपका मन समाधि में जम जाएगा। मुझे इस दृष्टांत ने मेरी बड़ी मदद की इस दृष्टांत ने। आप भी अपने एकाग्रता में मदद ले लो स्वामी जी के इस दृष्टांत से। शीशे के टुकड़े हुए न के भगवान के, इस तरह भगवान ने प्रकृति के टुकड़े कर डाले अनेक, लेकिन शक्ति अपनी रखी हर एक के अंदर। मैं हूं आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के दिल में बकी, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, क्या बोलूं आगे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। इसी दृष्टांत से ही हम भगवान को जगत गुरु कह भी ना रह नहीं सकते, ऐसा किसने समझाया ही नहीं। देखिए वो एक ही अनेक हो गया, अंक एक ही है अनेक हो गया, शीशा एक ही था उसके टुकड़े हो गए, लेकिन टुकड़े किए किसने, वो तो एक ही रहा। भगवान तो एक ही रहे, अपने में से 3 गुण निकाल दिए, अपने में से 5 तत्व निकाल दिए, नाना प्रकार के रूप पैदा कर दिए और रूपों में शक्ति अपनी भर दी, संसार चल रहा है। वाह वाह, अब हमारे जैसे जो कल्याणकामी है, जो कल्याण करके जहान से चले जाएंगे, केवल एक में मन टिकाएंगे अनेक में नहीं। अनेक में टिकाने वाला धक्के खाएगा, कभी तृप्ति नहीं होगी, और एक में मन लगा लेने वाला बिल्कुल तृप्त हो जाएगा। अब क्या होगा, पहला अध्याय चल रहा है विषाद का। विषाद वो होता है, विषाद ऐसे होता है, पहले चिंता फिर क्लेश, ना पहले क्लेश फिर चिंता फिर दुख फिर विषाद। पहले इंसान को क्लेश होता है, ये क्यों होगा वो क्यों होगा वो, फिर चिंताएं लग जाती हैं, फिर दुख शुरू हो जाती है। दुख के बाद इतना भारी दुख बढ़ जाता है कि सहा नहीं जाता, उसे बोलती है विषाद, जो दुख सहन ना हो सके, हाँ उसे विषाद कहते हैं।
जो दुख सह न सके, अनबियरेबल मिजरीज एंड एफ्लिक्शंस, उसको हम कहेंगे विषाद। अब पहला अध्याय कह लिया विषाद का, इंसान बहुत दुखी हो गया, इसका जवाब क्या, वो क्या हुआ, भगवान के उपदेश को ना अपनाने वाला दुखी हो गया, भगवान के उपदेश को ना अपनाने वाला। स्वामी जी ने फिर हमारी मदद की जापान में, कैसे जापान में यूनिवर्सिटी में ये फिर प्रश्न उठा उनके ऊपर, जापान से होते हुए वो गए थे अमेरिका में, तो ये फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रश्न किया, भगवान के उपदेश को ना अपनाने वाला कैसे, सुनिए सुनिए मेरे बेटियों मेरे सज्जनों, स्वामी जी फरमाते कितना अच्छा दृष्टांत, एक हमने सवाल निकालना है, हाँ तो घंटा हो गया सवाल नहीं निकल रहा, आप लोग मैथमेटिशियन के पास गणितज्ञ के पास गए, सर एक घंटा हो गया मुझे सवाल नहीं निकल रहा, आप मेरी मदद करेंगे, जरूर। देखा तुम अपने आप को क्या समझते हो, इंटेलिजेंट, आपने मुझे क्या समझा, मूर्ख, मैं मूर्ख ही समझता हूं अपने आप, अब जो आप कहोगे मैं वही कहूंगा, तुम मूर्ख हो, मुझे कारण बताइए, तुमने सवाल को समझा ही नहीं, इस सवाल में फार्मूला तो लगाया ही नहीं, ये तो फ्लॉप फार्मूला के आधार पर चल रहा था, लगाओ फार्मूला, 10 मिनट में भाग के आ गए, सर सवाल निकल आया, इधर भी 15 है उधर भी जवाब लिखा हुआ है 15 हिसाब में, जवाब मिल गया, ठीक हो गया, फार्मूला लगना चाहिए। सुनो मेरी देवियों, सुनो मेरे सज्जनों, भगवान ने सृष्टि बनाई, सृष्टि में बाकी जीव छोड़ पड़े, हमें मनुष्य जाति को बनाया, हम बोलते मनुष्य जाति, मनुष्य जाति में विशेष सोचने वाली बुद्धि दी, अच्छा इस बुद्धि के लिए विशेष नियम बनाए, वो नियम क्या है, अटल नियम, जो टाले नहीं जा सकते, अच्छा किसके लिए नियम होती है, बुद्धि के लिए, मन के लिए और तन के लिए, और किसी के लिए नियम हो तो मुझे बता देना, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूंगा आपका। नियम बुद्धि के लिए होती है, मन के लिए होती है और तन के लिए होती है, इन अटल नियम जिनको टाला ना जा सके। अब इंसान अगर उन फार्मूलों को ना लगाए तो क्या होगा, विषाद, अत्यंत दुखी हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट गया, मैं बड़ा तंग आ गया, सवाल नहीं निकलता, सवाल निकले कैसे, कितना अच्छा दृष्टांत दिया, जब तक फार्मूला ना लगे। हम सारे क्यों दुखी हो गए हैं, भगवान के उपदेश को नहीं अपना रहे। हाय 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 हाय, सुन लो मेरी बेटियों, आप भगवान के सामने ये तो नहीं कहेंगे कि हमें पता नहीं था, भगवान स्पष्ट कहेगा मैंने भेजा था इनको और बता के आया, ये समझा के आया, क्यों नहीं सवाल निकला, हमने फार्मूला नहीं लगाया, क्यों हम दुखी हो रहे हैं, जलील हो रही हैं, भगवान के फार्मूला को लगा ही नहीं रहे, भगवान के उपदेश को लगा ही नहीं रहे, हम क्यों दुखी हो गए, बुद्धि में कोई फार्मूला रखा, बुद्धि में क्या फार्मूला रखना था, मैंने सारी जिंदगी भक्ति कमानी है, किसकी, भगवान की भक्ति तो हम कमा रहे हैं, जहान की भक्ति कर रहे हैं, इसकी जगह हमने भगवान की भक्ति कमानी थी, ध्यान दे लो मेरे नेक जीवो, हम सारी जिंदगी धन के लिए, सारी जिंदगी अपनी पत्नी के लिए, पति देव के लिए, बच्चों के लिए, हालांकि इनको समझना था गौण सेकेंडरी, भगवान को समझना था फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिल्कुल जमाना उलट जा रहा है, दुख पाएगा। मन में विचार भगवान के रखने थे, हम सारी जिंदगी विचार रखते हैं, मेरा रुपया थोड़ा है, मेरी सेहत नहीं बन रही, मुझे इज्जत नहीं मिल रही, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी पत्नी का, सारी जिंदगी यही विचार करते रहते, और तन द्वारा कर्म करने थे भगवान में प्यार में भर के, हम कर्म करते हैं काम के आधार में, क्रोध के आधार में, मोह के आधार, इन गंदी वृत्तियों के आधार में, क्या होगा, गम बेहिसाब। हम जनता बिल्कुल उलट जा रही है भगवान के, जैसे उस स्टूडेंट का सवाल नहीं निकला जो फार्मूला नहीं अडॉप्ट कर ला, दुनिया वाले सुखी नहीं हो सकते जब तक भगवान के उपदेश को अपनाते हैं। कुछ बोलना हो तो बेशक बोल दीजिए, मैं तो सिद्धांत बता रहा हूं आपको अपने भगवान जी के, ये सिद्धांत है, नहीं उपदेश को अपनाया जाएगा हम जलील हो चुके हैं, नहीं फार्मूला को अपनाया सवाल ही निकलता, उधर जवाब 15 है, मेरा कभी 25 आता है, कभी 30 आता है, कभी 35 आता है,
15 के साथ 15 नहीं मिलता, क्योंकि मैं फार्मूला नहीं लगा रहा। कोई इतराज हो तो कह लो मेरे सज्जनों, ओ मेरी माता मेरी बेटियों, जनता क्यों दुखी है? एक जवाब, मनमानी कर रही है, कृष्णमानी, कृष्ण के उपदेश को नहीं अपना रही। पिट पिट के मर जाए ये शांत हो ही नहीं सकते। जवाब क्या आना चाहिए था? पीस ऑफ माइंड है, मन का अमन। अगर हम ठीक जुड़ते तो हमें मन का अमन चाहिए, किसी को भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। बेचैन बेकरारी, बेचैनी बेकरारी, हर एक जगह देख लो मेरे बच्चों। एक ही जवाब ले लो मेरे से, मनमानी करके हम दुखी हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं? भगवान की वाणी सुन के कृष्ण मानी कर रहे हैं। हमें आखिरी श्वास भी यही कह के महाराज जी में चला जाऊंगा, हमारा पूरा कल्याण कब है? कृष्ण मानी करने से। मुझसे आज से सुन लो, आखिरी वक्त मुझसे क्या कहोगे, कोई उपदेश देते जाओ, कृष्ण मानी करने से हमारा लोक परलोक बन जाता। मनमानी करने से हम कहीं के नहीं रहते। देखो भगवान का ये फरमान कितना अच्छा, इसी तरह दुनिया का। ये भगवान ने दौर चलाया, नियम बनाए, नियमों को प्रकट करने वाली गीता बनाई, और फिर साथ कह दिया इसी तरह दुनिया का, जो इस दौर से हट के ले रहा और ख्वाहिश का बंदा हयात उसकी दुनिया में बेकार। इससे बढ़ के कोई जगत गुरु क्या कहे कि मैंने दुनिया बनाई, दुनिया में इंसान की जाति मनुष्य जाति बनाई, मनुष्य जाति के लिए ये नियम बनाए, नियमों को प्रकट करने के लिए गीता प्रकट कर डाली, इसी तरह तुम सुख शांति से लोक परलोक बना सकते हो, नहीं तो फिर क्या होगा, हयात जिंदगी बेकार हो। इस फरमान को दिन में एक बार तो पढ़ लिया करो, दो आंसू बहाकर, कि मेरी परमात्मा कितना स्पष्ट कह रही है, इसी तरह दुनिया का चलता है। मैंने ये चक्कर इसी तरह चलाया था कि मनुष्य जाति बनी, ये मेरे उपदेश को जाने, उपदेश को लेके अपनी जिंदगी गुजार के मेरी जात में समा जाए। हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उपदेश को नहीं अपना रहे। धक्के धक्के, बिल्कुल ही धक्के। देखते हैं जीव कितने धक्के खा रही है। तो फिर पहला अध्याय क्या शुरू हो गया? अर्जुन विषाद योग, विषाद मतलब दुख सहा नहीं जाता। तो इधर आने की बजाय विषाद तो हर एक को हो रहा है, दुख नहीं सहा जाता, तो क्या और आत्महत्या कर रहे हैं? आना था इस विषाद के बाद भगवान की ओर, हम जा रहे हैं लाइन की ओर। आना था क्रिस्टल लाइन की ओर, हम जा रहे हैं रेलवे लाइन की ओर। क्या करने? सिर रखने। आना था इधर भगवान की ओर, क्या करने? जो है शीश झुकाने। हाय हाय, और उधर लाइन पे सिर रखने जा रहे। कितनी आत्महत्या आपकी जाति कर रही है, कितनी दिन, एक दिन में। मैं डर के मारे बोलता नहीं हूं बस, लेकिन जाति आपकी बढ़ती जा रही, आत्महत्या होती जा रही है। इतना विषाद के नहीं सहा जाता, इतना दुख जो नहीं सहा जाता। क्या आत्महत्या करनी चाहिए थी? भक्ति, इधर आ जाना चाहिए था, सिर रख देना था भगवान के चरणों में। आहा, सिर रख रहे लाइन के ऊपर। विषाद क्यों हुआ? मनमानी करके। उनको अब भी नहीं तरीका आत्महत्या करके का बात सुलझ जाएगी, उनको अब भी नहीं पता। आत्महत्या करने से बात बिगड़ जाएगी। हमारा धर्म ये दो ही बड़े भारी पाप कहता है, आपको पता है क्या? आप जानती हो दो बड़े भारी पाप कौन सी हैं? अमानत में खयानत, मैंने कोई चीज आपको दी और मैं चला गया तीर्थ यात्रा करने, कुछ महीनों के बाद आया, मैंने अपनी चीज मांगी, आपने उल्टा मुझे गालियां सुनानी शुरू कर दी। कब दी थी? ये हो गया अमानत में खान, मुकर गई आप। अच्छा बेटी कोई बात नहीं, बड़ा भारी पाप, ये भगवान किसी तरीके से निकाल लेंगे। दूसरा आत्महत्या, पहला अमानत में खयानत और दूसरा क्या, ये आत्महत्या, दो बड़े भारी पाप माने जाते हैं। हाँ, आत्मघात बोलते हैं बेटे, वो अमानत में ख्याल है, दूसरा आत्मघाती। आजकल आम होते जा रहे, क्यों नहीं सहा जाता दुख? अब मैं आपको बताया, इससे विषाद से हटने का तरीका, हम भगवान के अनुसार जुटे, अपने कृष्ण जी के अनुसार। मैं किस संत नहीं कह रहा, महात्मा नहीं कह रहा, उनके अपने अपने बोल हैं। आप किसी नहर को मत पकड़ो, दरिया को पकड़ लो। महाराज जी का उपदेश दरिया है, आजकल संत महात्मा उसी दरिया में से निकली नहरें हैं।
इसमें किसी को शक हो तो मुझे चुप कराओ। भगवान जी का उपदेश एक दरिया की तरह है और आज जो संत महात्मा नजर आते हैं ये उसी दरिया की कैनाल्स है। और कैसे क्लियर करूं मैं, कैसे साफ करूं? आज के संत महात्मा जो जगह जगह आपको घूमते हुए नजर आती हैं, ये उसी भगवान के उपदेश की निकली हुई कैनाल्स। तो हम दरिया की ओर क्यों ना देखें? कैनाल तो कभी बंद भी हो सकती है। हाँ, महात्मा जी शरीर छोड़ देंगे, देन उनके शिष्य शायद वैसे ना बने, उनके शिष्यों में फूट पड़ जाए, वो वैसे ना बताए, फिर क्या बनेगा? आपको उपदेश नहीं मिलेगा। तो पहले क्यों ना दरिया के साथ कनेक्शन किया जाए? पहले हम जड़ तो क्यों ना पकड़ ले? ये बात कबीर जी ने कही थी, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। के बुद्धू, तू जो टैन या पत्तों को पानी देता जा रहा है, क्यों बेवकूफ बन रहा है? क्यों नहीं सीधा मूल यानी जड़ को पानी देता, सारा वृक्ष हरा भरा हो जाए? क्यों छोटे मोटे धर्म मजहब लेकर के धक्के खा रहा है? अब ये देख, इसका मूल क्या है भगवान जी, इनका रूट काज क्या है प्रभु जी? चल रूट काज को ले लो, बात खत्म हो। रूट काज तो प्रभु है ना। आए, मैं वो बीज हूं जो ना होगा, ये आपके भगवान कह रहे हैं। पकड़ लो नेक जीवो, ओ नेक देवियो, मैं उधर ही आपका ध्यान दिला रहा हूं। मेरी बेटियां क्यों दुखी हो गई भगवान के उपदेश को छोड़कर? ये कोई सिनेमा स्टार भी नकल करने योग थे? उन नलैकों का ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, ना कोई ईमान, केवल पैसा ही सब कुछ है। वो हमारी बटुए खाली करना चाहते हैं, जेबें खाली करना चाहती हैं। इंसान में कमजोरी होती है काम की, क्रोध की और लोभ की, इन्हीं का दुरुपयोग कर रही है। कभी नंगे मनंगे रहेंगे शरीर, इंसान उस पर असक्त हो जाता है, हमारे रुपया खाली करा रहे। गंदे मंदे गीत गाएंगे आपके शरीरों के, प्रकृति के, इर्द गिर्द के, इनकी नकल करनी चाहिए थी, इनको तो देखना ही नहीं चाहिए था। पर अब वक्त गंदा आ गया, कलयुग आ गया, झूठ मकर से धन कमाया जा रहा है। आओ मैं बार बार कहूं आपको, क्यों दुख बढ़ते जा रहे हैं भगवान के उपदेश को छोड़कर? हम मनमानी करते जा रहे हैं। मनमानी कैसी होती है? अनेकों को देख करके। अनेक कैसी जा रही है? अनेक बार मुखी है। और बार मुखता में क्या है? जिसके लिए भगवान ने कहा था, इन्हें छोड़ इनमें ना, नास्ती को अपनी मिटाना। हाँ, बार मुखी हो तो बार मुखी क्या है? काम बढ़ा हुआ है, काम जोरों पर बढ़ा हुआ, शारीरिक प्यार नर नारी का बार जोरों से बढ़ा हुआ है, एक काम क्रोध जोरों से बढ़ा हुआ है, और लोभ स्टिल मोर जोरों से बढ़ा हुआ है। बार मुखता में ये तीन प्रधान है। इसलिए जीव क्या हो गए? गम बेहिसाब। करनी थी हमने कृष्ण मानी, अपने भगवान के उपदेश के अनुसार मन को अंतर्मुखी करना था। हमारा उपदेश ही यहीं से शुरू होता है, जो इंसा करे ख्वाहिशें दिल से। संसार को हटाकर भगवान के उपदेश को लेना था कि मैंने अब कर्म भगवान जी के अनुसार ऐसे करने हैं, तो कामना वही खत्म हो जाती। सुन लो इस बात को, नहीं तो क्या विशाल। पहला अध्याय हमारा गुरु है, काम कर रहा है कि भगवान को छोड़कर दुख ही दुख, भगवान के उपदेश को छोड़कर। मेरी देवियों, रोते आए हम, जब बच्चा पैदा होता है तो बाहर की हवा उसे सुखाती नहीं, उसे दुख होता है, बाहर की हवा चुभती है बुरी बुरी तरह। तो रोता आया, रोता रहा, रोता हुआ चला गया, ये तो बात ना बने। फिर मैं बार बार कहूंगा, मेरी सुन लीजिएगा, पहले अध्याय का नाम विषाद योग क्यों रखा गया? विषाद के बाद ही तो धर्म शुरू होता है। डॉक्टर घर में आ रहा है तो गली वाले पूछे, क्या बात हुई रामलाल? डॉक्टर जी ले जा रहे हो, मां बीमार हो गई। क्या हो गया? बेहोश हो गई है। है भगवान ठीक करे, डॉक्टर का घर में आना कोई सुखकारी थोड़ा है। डॉक्टर घर में आ रहा तो कोई आपको कहेगा मुबारक जी, किसी नलायक ने आज तक आपको दी मुबारक, डॉक्टर घर में जा रहा है, रा, 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 रा। मुबारक। ये तो वहां लैलपुर में मशहूर थी एक बात, भगवान आपका भला करे। बोंद शराब थे तो मुसलमान चार पांच छह आठ इकट्ठे गुजरे, कहते आप बड़ी खुशबू आए, हलवे दियो, पूड़ियां दियो, फलाना फलाना। तो मालिक बार खड़ा था, क्यों क्या बात? दिल तो करता है खिलाएंगा, जरूर बैठ जाओ।
वो जितनी चीजें अंदर बन रही थी सब खिला दी, रख के खा लो। अच्छा बड़ी मेहरबानी, और खा लो, थोड़े जे घर वास्ते भी दिवोगे? हाँ हो रहे, घर वास्ते ले जाओ। और उन्होंने आप भी रज लिया, पेट अपना रज लिया और घर वास्ते भी ले लिया, जो घर में घर वाली तो बैठी है ना, और बच्चे बैठे थे उनको खिलाएंगे, खिलाएंगे। अच्छा सेठ जी, हम ये पूछना चाहते हैं ये आज ऐसी चीजें क्यों बनी है? हमारे घर में श्राद्ध है। अच्छा अल्लाह मियां नित पे करे श्राद्ध कर दे। ओ पिट्टा बूटा डॉ मर गया, ये क्या कह रहे हो? नित पे मन श्राद्ध, ओ ये क्या कह रहे? पता श्राद्ध हम किसके? तुम्हें नित पे हो, हम तो जो हमारे मर गए उनके श्राद्ध कर रहे, तो तू कह रहे नित पे मन, इनमें जो रोज पे मरण था घर में। अब वो तो अपनी ओर से आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभ भावना दे रहे हैं, उनको क्या पता मुझे नित पे होने चला, ओए अल्लाह ओए माफ करना शरीम, हमने कहा था नित पे होने से रोज पे खावागे, तो नित पे होने शराब ये कह रहा तो बदवा हो गई, पर मुसलमानों को क्या पता। मैं नित पे होने शराब तुम्हारे चोट जी ले, तो डॉक्टर का आना बुरा होता है, इस तरह दुख का लेना बुरा होता है। दुख का मतलब ही यही है मैं नास्तक हूं। हाय विवेकानंद फरमाया करते थे, जो दुखी है वो नास्तिक है, जो भगवान का प्यारा है वो कभी दुखी नहीं होगा। ये शब्द कितने प्यारे हैं विवेकानंद के, कृष्ण का दास। जरा बच्चे एक मिनट जरा बोलिए, कृष्ण का दास, कृष्ण का दास। आप अपने बोली जा रही हो, काहे उदास, कृष्ण का दास काहे उदास हो गई, पर कृष्ण का दास नहीं, ये भी सिर झुकाने वाला अपनाने वाला। कृष्ण का दास का मतलब एक सुनो, मुझे बड़ी बात क्लियर करनी है, कृष्ण का दास इज इक्वल टू, इधर लिखिए कृष्ण का दास चूंकि मैं और आप है, इज इक्वल टू कौन? जो है मेरी तालीम पर कार्य, इज इक्वल टू कृष्ण दास, जो भगवान के उपदेश को अपना रहे हैं उनका हक है ये कहलाना कि मैं भगवान का दास हूं। आजकल अपनाया नहीं जाता उपदेश को, सिर्फ सिर झुकाया जाता है, जयकारे मारी जाती हैं, पता सब बन्ना टुट्टा ले लिया, प्रसाद चरनामत ले लिया, मैं तो भगवान का दास हूं। भगवान नहीं मानते, भगवान कहते मेरा दास तो वो है जो है मेरी तालीम पर का, जो मेरे उपदेश को अपनाने वाले हैं वो मेरे दास है। कोई गलती ना करे आप में से, हमारे मंदिरों में बड़ी भारी भूल होती जा रही है, हम अपनाते नहीं केवल सिर झुकाते हैं, ये पखंड हो गए। इसको भगवान कहते हैं परा गंदा दिल है वो, उनको मक्कार बोला जाता है, वरना कृष्ण का दास काहे उदास। दास वही होता है जो शिक्षा अपनाने वाला, जो जीवन में ढालने वाला। मैं पहले अध्याय की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं, क्यों इंसान में विषाद आता है? मनमानी करता है, मनमानी करने से क्या होता है? वो कामी बन जाएगा, क्रोधी बन जाएगा, मोही बन जाएगा, लोभी बन जाएगा, हंकारी बन जाएगा। और कृष्णदास बनने से क्या? अंतर्मुखी हो जाएगा, विवेकी बन जाएगा, वैरागी बन जाएगा, और क्या? भक्त बन जाएगा और शक्ति संपन्न हो जाएगा। ये गुण फौरन आते हैं जब अंतर्मुखी होती है विवेक, दूसरा स्टेशन वैराग, तीसरा स्टेशन भक्ति, चौथा स्टेशन शक्ति, फौरन ये चारों स्टेशन आ जाती है। और जब बाहर जाते हैं तो कामी बनते हैं हम, क्रोधी बनते हैं, मोही लोभी अहंकारी ये बन जाते हैं। बाहर मुख्ता में ये पांच स्टेशन, अंतर्मुखता में चार स्टेशन। बाबा आज हर इंसान कामी है, क्रोधी है, मोही है, लोभी है, अहंकारी है। आप जैसे नेक जीव अगर सही रूप में भगवान के उपदेश को ले ले तो विवेकी, वैरागी, भक्त और शक्ति संपन्न। शपा इस तरह क्या होगा जीवन में? शांत मन, कितना ठंडा, दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, अंतर में हो या बाहर से हो, मन शांत, क्योंकि तृप्ति हो जाती है अंदर से, तृप्ति का घर ही अंदर है। इसलिए अपनी भूल का एहसास कीजिए और पहले अध्याय से हम शिक्षा प्राप्त कर ले। अर्जुन क्यों उस समय का जिज्ञासु क्यों दुखी हो गया बार मुखी होकर? हालांकि अर्जुन कोई दुखी नहीं था, तो दिखाया गया है। तभी तो धर्म के डॉक्टर की जरूरत कब होती है? जब घर में कोई बीमार होगा तो धर्म की जरूरत कब होगी? गीता की जरूरत कब? जब कोई विषाद में जाएगा। तो पहले एक प्रकट किया गया, क्या क्यों दुखी हो गए? भगवान की वाणी को नहीं अपनाया और जो बार मुखी हो गया,
गुरुओं क्या बनेगा, चाचों के भाइयों क्या बनेगा, ये सारे मर जाएंगे, ये सारा ये हो जाएगा, वो क्या क्या बातें बना रहे, कितनी दलीलें दी जा रहा है। ये क्यों? जो कि भगवान को देखना बंद कर दिया, उनकी नजरें इनके ऊपर हो गई। हाँ, भगवान को अपने पास बिठाए हुए गए, कितना सुंदर दिखाया गया, भगवान सारथी है, उनकी ओर ना देखता, वो इनको देख लो। गुरु मोहतरम का नहीं खून रवा, गदाई में इसे तो जीना भला, इन खैर खाओं का खून कर करूं, इशरत के लुक में लहू से भरूं। ऐसी ऐसी दलीलें दिए जा रहा है। ये हालांकि देखना था जिसको सारथी बना रखा है भगवान जी को, वो नहीं देखा, यूं देखे जा रहा है। तो अब हमने तो इधर देखना है ना, नर नारी क्यों दुखी हो गए आजकल, भगवान के उपदेश की ओर नहीं देख रहे कि जिसने सृष्टि बनाई और जिसने हमें भेजा है इस दुनिया में, हमने क्या करना है, उसके अनुसार रहना है। किसी भी स्थान पे चले जाओ, अगर वो स्थान ठीक चल रहा है तो कुछ नियम होंगे। स्कूल में जाइए, दफ्तर में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, बाजारों में जाइए। हाँ, कितना अच्छा होती है, एक अच्छे नागरिक बनो। इसी में सब कुछ आ गया मेरी बेटी। इधर तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, पर बड़े बड़े शहरों में लिखा था अच्छे नागरिक बनो, कोई चीज ना फेंको, बाजार खराब ना करो, थूको नहीं, केले के छिलके ना फेंको, आएगा ऊंचा ना बोलो, अच्छे नागरिक बनो, साइकिल चलाना है तो बत्तियां लाल जरूर रखो, मैं एक अच्छा नागरिक बनूं, बी ए गुड सिटीजन। इसी में सब कुछ आ गया। इधर भगवान की गीता क्या कह रही है, अच्छे मानव बनो, बी ए गुड मैन। अब गुड मैन कौन? जो भगवान के उपदेश को अपना रहा है। ओ नेक जीवो, हमारे से भगवान का प्रसाद प्रेम पूर्वक ले लो। सर वो प्रसाद नहीं जो बूंदी बूंदी या मीठी चीजें बढ़ती हैं, अगर सही रूप में मेरा कहना मानो तो भगवान का प्रसाद तो भगवान का ज्ञान है। मेरी मान लो मैं ठीक कह रहा हूं, मेरी मान ले मेरी मैया मेरी नेक बेटी, भगवान का प्रसाद बूंदी नहीं, भगवान का प्रसाद हलवा नहीं, भगवान का प्रसाद कोई और बाजार की बनी हुई चीज नहीं, वो आपके रोम रोम की कसम, भगवान का प्रसाद भगवान का ज्ञान है, और ज्ञान का घर गीता है। बाबा फिर कहे, भगवान का प्रसाद भगवान का ज्ञान है, और ज्ञान का घर गीता जी। घड़ियाल भी हमारी हां में हां मिला रहा है कि ज्ञान का घर गीता जी है, ज्ञान का घर गीता जी है। इसको स्वीकार करके मेरा या रहना सफल करो, मेरे शरीर यहां पर दो रोटियां खाना सफल कर दो आप सबके सब, कि भगवान के ज्ञान को हम पकड़ लें, फिर हमारे पर भी विषाद नहीं आएगा, हम शांति से जी लेंगे। शांति से इस काया को छोड़ देंगे। यही दो कलाएं गीता सिखाती है, शांति से जीना, शांति से शरीर को छोड़ देना। तीसरी कला गीता को नहीं सिखाती है, कोई बकवास करती है जो कहते तीन चार कलाएं गीता सिखाती है ना, हैप्पी टू लिव हैप्पी टू लीव, ये दो कलाएं, हैप्पी टू लिव शांति से जीना, हैप्पी टू लीव शांतिपूर्वक जहान को छोड़ जाना, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव, बाखुशी जीना बाखुशी ये संसार को छोड़ देना, ये दो कलाएं गीता सिखाती है। इसी को मेरे भगवान कह रही है, अमल में हुनर हो तो कहलाए, ये हुनर हमें सिखाया जा रहा, फिर कभी भी शाद नहीं होगा। हम क्या होंगे? जो मिल जाए लेकर वही, फिर हम प्रसन्न होंगे, फिर पहला अध्याय हमारे पे लागू नहीं होगा। पहला अध्याय क्या नाम रखा? अर्जुन विषाद योग। और 18वां अध्याय क्या है? ये अब भगवान जी का क्या है? मोक्ष जो है प्रसाद योग, वो मुक्ति प्रदाता है विषाद। अब बिल्कुल उल्टा है 18वां अध्याय पहले के, इधर विषाद और उधर मोक्ष प्रसाद है, उसमें मोक्ष है, जीव का कल्याण हो गया। तो बाखुशी इस तरीके से जिया जाता है। मैं इतने कह के अपनी विराम दे रहा हूं वाणी को, क्या
भगवान के उपदेश को अपनाने में ही हमारे सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए हम जहाँ सब आती हैं कि बाखुशी जीना सीख लें, और वो दिन नजदीक आ रहा है शरीर छोड़ना होगा, बाखुशी ये काया को छोड़ना भी सीख, ये दो कलाएं कितनी अच्छी, बाखुशी जीना और बाखुशी काया माया को छोड़ देना। काया प्लस माया, माया का मतलब जो इस काया के साथ जुड़े हैं, ये मेरे माता जी, पिताजी, बहन भाई, ये सारी माया कहलाएंगे, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बाल बच्चे, ये मेरा धन पदार्थ, ये जो कुछ, इसको एक हिंदू धर्म बोलते हैं माया, काया प्लस माया, इन सबको मैंने छोड़ना तरीका सीख लू। जब इम्तिहान देना गए, मैं कई बच्चों को कहा करते बेटे ये तो इम्तिहान ना दो, नहीं देना है, दिन रात पढ़ो, या तो हमने मरना ना हो, मरना है तो दिन रात हम तैयारी करें, और जीना भी है, ये देखो मैं नहीं जीना चाहता, नहीं जीऊंगा तो जीना सीख लो। मैं तो ये बार बार आपसे कहूंगा, जीना है जीना सीख लो, या अभी मर जाओ, नहीं अभी नहीं मरते तो बाखुशी जीना सीख लो, और मरना तो है तो बाखुशी मरना सीख लो, ये सिखाती है गीता। जिसने बाखुशी मरना सीख लिया, हाँ वो फिर नहीं मरेगा। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन शनि संतु शनि भद्रान पश्यंतु माता चीज भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो स्त्री भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इस देव हार्दिक धन्यवाद।